$800 इसके लगा लेते हैं। $100 की जो कैब होती है एयरपोर्ट से चली आ रही थी, वैसे $300 से इंडिया का लाभ हो जाता है। ओटी से हो गया बस यार, दोनों में बल जाए और एक फ्रैक्चर है मेरी बैक में पहले से ही। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। आज है 9th of July, संडे आज, और आज का ब्लॉग बस स्टॉप से शुरू हो रहा है क्योंकि मैं सुबह सुबह थोड़ा लेट हो गया हूँ यार। एक्चुअली ना आपको स्टोरी नहीं पता भाई, मेरा अच्छा खासा वीकेंड सेट था, काम कोई था नहीं, बॉस्टन रात की शिफ्ट थी। मैं कहा सोएंगे, पढ़ेंगे, काम पे जाएंगे, ऐश करेंगे, ठीक है, तो मेरा ऐसा था। बट भाई फ्राइडे नाइट क्या होता है, मैंने वैसे फ्राइडे नाइट ना सिक्योरिटी वाले सुपरवाइजर को मैसेज किया था कि यार सैटरडे संडे मॉर्निंग डालनी है तो डाल दियो। मैंने इस वजह से किया अगले हफ्ते, भाई ने क्या किया उस दिन तो मैसेज कर दिया रात को फ्राइडे नाइट कि ठीक है देख लूँगा। भाई सुबह सैटरडे की सुबह 4:30, कल का सैटरडे सुबह के 4:30 मैसेज आता है कि सिक्योरिटी की शिफ्ट डल गई है सुबह 10 बजे की, और संडे की भी सुबह 10 बजे की, वो कर लियो, एक्सेप्ट कर लियो। तो मैं तो तुक्के से 6 बजे जाग खुल गई भाई, तो मेरे को जाना पड़ गया। तो मतलब इतना हॉटस्पॉट में काम गया है, कहाँ मेरा पूरा मन था सोऊंगा, तो सुबह वहाँ भी गया हूँ, तो इसलिए लोकल हुआ नहीं, हॉटस्पॉट में काम चला, मैं झूलता हुआ गया हूँ यार, लिटरली झूलता हुआ। मैं फ्राइडे लेट हुआ, मेरे को सुबह कौन सा दिन जाना है, आराम से उठेंगे, वो भी बुरा हाल ही हो गया। कल किया नहीं और आज भी ऐसी सुबह सुबह शिफ्ट डल गई है। आज सुबह फिर रात बॉस्टन ने क्लोजिंग दे दी है, कहाँ बॉस्टन 3 घंटे की थी क्लोजिंग दे दी, बट वो ये भाई घंटे है नहीं है, तो मैं मना मुना किसी को कर नहीं रहा, वरना तो मैं अपने हिसाब से चलता होता हूँ, तो घंटे है नहीं है यार। मैं बस का वेट ही कर रहा हूँ भाई, कल भी लेट हुआ था सिक्योरिटी पे, आज भी लेट हो गया हूँ, कल भी फ़ोन आ गया था, उनका कहते तो लेट है, मैं कहा यार 1-2 मिनट लेट हूँ, चला लो प्लीज़, तो आज भी बस लेट ही हुआ, आ ही नहीं रही बस, सामने से निकल के गई है वैसे तो मेरे, क्योंकि मैं वहाँ पे था सामने और बस यहाँ से निकल के गई है, तो ये चीज़ है। चलो चलते हैं वैंकूवर, ऑलमोस्ट 1 hour 10 minutes के आसपास लगेंगे, ग्रैनविल स्ट्रीट तक ही जाना है, ये टाइम लगेगा। ओ भाई बस आ ही नहीं रही है, चलो जब तक बस आती है मैं आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। एक तो पहली बात तो लंगारा कॉलेज की ये कि लोग पूछे ट्रैवल सपोर्ट लेटर, भाई लंगारा कोई ट्रैवल सपोर्ट लेटर नहीं देता, जो आपकी लेटर ऑफ कौन सी होती है, मैं भूल ही गया, मैं तो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस होती है सॉरी, जो भाई वही ट्रैवल सपोर्ट लेटर का काम करती है। तो जब भी कोई आपको इमिग्रेशन ऑफिसर पूछता है तो बस वो LOA दिखा देना, वो आपका काम करती है, और अपना एनरोलमेंट वेरिफिकेशन लेटर डाउनलोड कर लेना। भाई मुझे पता है पिछले सेमेस्टर के बच्चे कहेंगे हमसे तो किसी से नहीं पूछा, भाई वो रेयर ही चांस होता है कभी कुछ पूछ ले ऐसे। तो मैं आपको एक फैक्ट बताऊँ, मजाक नहीं कर रहा, सच में एक फैक्ट बताता हूँ, जब मैं इंडिया से आया मैं अपने हर डॉक्यूमेंट की 10-10 कॉपी लाया, मैं कहा काम आएगी भाई, वो आज तक 10 से 9 भी नहीं हुई है, कहीं देनी नहीं पड़ती कोई कॉपी। लंगारा ने आज तक कोई डॉक्स नहीं मांगा यार, ना कोई काम वाला मांगता, काम वाले भी कहते हैं स्कैन करा के ले आना, मतलब ये कोई काम नहीं आता यहाँ पे। मतलब मैं चलो मना नहीं करता कि ना लेके आओ फोटोकॉपी ले आओ, बट मैं वैसे बता रहा हूँ कि अब इमिग्रेशन वाले किसी से कुछ भी मांग लेते हैं, तो इसलिए अपना एनरोलमेंट वेरिफिकेशन लेटर ना अपने साथ रखा करो। मैं तभी कहता हूँ लोगों को कि फुल टाइम पर रजिस्टर रहा करो जब आते हो यहाँ पे, क्या पता वो एकदम से मांग ले और आप पार्ट टाइम पे हो, फिर अगले बोल ले भाई तो पार्ट टाइम पे ऐसे कैसे, मतलब हो सकता है ये दिक्कत। तो एनरोलमेंट वेरिफिकेशन लेटर और ट्रैवल सपोर्ट तो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ही होती है आपकी, वो कर लेना। और भाई लोग फीस का पूछते हैं बहुत ज़्यादा कि भाई $12,000 कितने सेमेस्टर की फीस है, भाई एक तो ऊपर जो 2 वीडियो आ रही है उनको आप देखो पहले जाके फीस कैसे कटती है। फीस सेमेस्टर की कोई फीस नहीं होती है भाई, क्रेडिट की फीस होती है, क्रेडिट से यार वो या वीडियो जाके देख लो आपको फीस का समझ आ जाएगा। $12,000 2 सेमेस्टर की फीस भी नहीं होती है, तो ये सब थोड़ा सीन रहता है फीस फूस का। और हाँ लोग पूछते कितने पैसे लाने चाहिए यहाँ पे, मतलब कि जैसे हम कहने रहते कितने पैसे लाने चाहिए यार। एक्चुअली मैं सच बताऊँ मैं $1200 लाया था, मैं झूठ क्यों कहूँ, मैं $1200 लाया था, मेरे इनफ थे, थोड़े से कम पड़े थे, थोड़े से भी वो ठीक ठीक चल गया था मेरा काम, कोई औखा नहीं हुआ मेरे को। बाकी यार अब आज के हालात के हिसाब से ना कितने पैसे लाने चाहिए मुझे खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब महंगाई बढ़ गई है, मतलब रेंट रोड बढ़ गया क्योंकि हमें मॉर्गेज बढ़ी हुई है, तो मेरे को खुद भी कैलकुलेट करना है, फिर मैं आपको एक फिगर दे पाऊंगा। और हाँ मैं जो भी चीज़ें बताता हूँ यार, मैं ना उस वजह से बताता हूँ कि सबको सही हो जाए, मैं मिनिमम चीज़ बताता हूँ, तो मैं कभी मैक्सिमम नहीं बताता, क्योंकि भाई मैं सच बताऊँ जैसे मैं बहुत लोगों से मिला हूँ, कई लोग वैसे भी होते हैं जो ठीक है थोड़े फाइनेंशियली हैं कि यार उनको है कि जो हमारा कम से कम लगे वो बता दो, तो भी मैं वही बता देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा की तो लिमिट है नहीं है, लाने को जितने मर्जी पैसे ले आओ, तो मैं कम से कम बताता हूँ कि यार इतने मिनिमम हो कि बच्चा यहाँ पे आके ऐसे बाद में दुखी हो ये हो, तो वो चीज़ ना हो बस, तो मैं मिनिमम बता देता हूँ, तो मुझे मैं खुद भी कैलकुलेट कर दे लो कितना खर्चा आएगा, फिर मैं आपको एक मिनिमम अमाउंट बता सकता हूँ। या मैंने आपको रेट रूट बाद में बताता हूँ, जिसका डर था वो हो चुका है भाई। आप टाइम देख लो 10 तो यहीं बच गया, 45 शुरू करनी थी, इसका एड्रेन डिले होगी 15 मिनट स्कॉट रोड पे, क्या करें। चलो एक बार चलते यार शिफ्ट खत्म कर लूँ, तो भाग भाग के साथ चढ़ी हुई है, बुरी हाल तो रखी है। घर शाम के 6 बज रहे हैं, मैं घर अपने आ गया हूँ,
मतलब वो यार मैंने वहाँ पे लेट हो गया था तो मैं सीधा घर ही आया, मैंने कुछ शूट वगैरह किया नहीं। और हाँ यार अब बात करते हैं कि आपको कितने पैसे इंडिया से लानी चाहिए, मतलब चाहे आप कैश लाओ चाहे आप अपने कार्ड में लेके आओ कितने लानी चाहिए। तो यार देखो सिंपल है यार, अगर आज का हिसाब लगाए ना भाई रेंट सरी में 500-550 कॉमन हो गया है, तो आप आए बस 550 तो रेंट ही हो गया भाई। अब उसके बाद यार जब आप कहीं पर भी शिफ्ट होते हो भाई तो लैंडलॉर्ड आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगते हैं जो कि वंस अ टाइम जाता है और वो रिफंडेबल होता है। अगर आप बेसमेंट छोड़ोगे तो वो हाफ द रेंट जाता है, तो जैसे 500 रेंट है तो 250 डिपॉजिट जाएगा, तो ऐसे लगा लो। तो भाई हम मोटा मोटा इन दोनों को जोड़ के $800 इसके लगा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यार फर्स्ट मंथ की मैं वैल्यू बता दूँ, फर्स्ट मंथ की ग्रोसरी थोड़ी महंगी आती है क्योंकि भाई आप नया घर अपने हिसाब से सारा सेट कर रहे हो तो हर चीज़ ख़त्म होती है, मतलब हर चीज़ नहीं लेके आओगे तो भाई आराम से ना मतलब 200 के आसपास ग्रोसरी आती है, तो 1000 तो ऐसी होगी। उसके बाद यार बिल्स वगैरह, फ़ोन का प्लान है, मतलब वो अंदाज़ा भी लगाया ना $50 के आसपास आता है। जब मैं यहाँ आया था मेरे को $30 में मिल गया था, मैं इंडिया से लेके आया था भाई, तो मैं इंडिया से मैं फाइडो का लेके आया था, तो 1050 तो ऐसे हो गए। और यार छोटे मोटे बिल्स बहुत जाते हैं, ट्रांजिट कार्ड लगा लो यार, जो लंगारा में नहीं है अब उनकी बात कर लेते हैं भाई, वो बस पास खरीदेंगे, बस पास इतना महंगा आता है अब $200 का तो बस पास आता है। जो लंगारा में है उनको भी पास तब मिलेगा जब शुरू होएगा, जैसे सितंबर इंटेक है तो सितंबर से पास शुरू होएगा, अगस्त में कैसे काम चलाओगे, तो आपको ट्रांजिट यूज़ करनी पड़ेगी, तो भाई 500 ऐसे हो गए, तो मतलब 1100 तो हमने ऐसे जोड़ी ली है यार, ये तो जानी जानी है, तो आप ऐसे लगा लो ना फिर। और कुछ लोग अब जैसे एयरपोर्ट कोई किसी को कोई लेने नहीं आ सकता तो वो 3 बैग तो ट्रांजिट में लाए नहीं जाते, तो वो कैब करेगा, $100 की तो कैब होती है एयरपोर्ट से सही आने की, तो ये भाई खर्चे हैं जो होने ही होते हैं, तो फिर उस हिसाब से लगा लो यार। मतलब ना मेरे हिसाब से तो सच बताओ $1400 या $1500 तो ले जाओ यार, आई नो ज़्यादा तो होते हैं भाई $1500 तो इंडिया का लाख रुपये हो जाता है, बट पता है क्या यार औखे नहीं हो गए यहाँ पे आके। और दूसरा ऑप्शन भी वो है आप GIC यूज़ कर लेना अपनी, यहाँ पे आके थोड़े से ले आओ GIC यूज़ कर लेना, तो मेरे हिसाब से यार 1500 तो मिनिमम लाओ कम से कम। मेरा 1200 में चल गया था काम, क्योंकि मेरे को तब यार इतनी इन्फ्लेशन गई नहीं थी, अब भी इतनी नहीं गई है बट मॉर्गेज बढ़ गई ना पीछे, तो उस वजह से ना यार रेंट काफ़ी हाई हो गया है, तो अब रेंट सस्ता मिल नहीं रहा, इस वजह से बस थोड़ी प्रॉब्लम है। तो मेरे हिसाब से $1500 ले ही आना और ये सब सीन। और यार अब मैं अपनी बात कर लूँ भाई, आज मैं सच बताऊँ होगी भाई मेरी बस हो गया है, समझ नहीं आ रहा मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ, बट मेरी सिक्योरिटी से हो गया बस यार। मैंने यार बीच में कभी बताया नहीं, लोग बोलते भाई अपनी बढ़ाई मार रहा होएगा, तो मैं बताता नहीं भाई, मैं सच बताऊँ मेरी बैग की आज चली गई है बैग बिल्लू, मतलब मैं स्काई ट्रेन में मेरे को सीट नहीं मिली, अब मानोगे नहीं, मैं जो रोड लगी होती उसके ऊपर बैठा हूँ क्योंकि मेरे से खड़ा तो हुआ नहीं जा रहा था। अभी भी मुझे पता है मैं कैसे चल रहा हूँ भाई, मेरे अब आपको साइड में फ़ोटो दिख रही होगी भाई, इस एरिया में ना बिल्कुल अकड़ा ना चुकी है। पहले मुझे बैग की दिक्कत है भाई, लोगों को जिनको नहीं पता यार मेरी नीचे L5 और नीचे की जो डिस्क होती है L5 और S1 आई गेस दोनों में बल्ज है और एक फ्रैक्चर है मेरी बैक में पहले से ही भाई, वो औखा सौखा मैंने थोड़ा सेट किया था क्योंकि मैंने बचपन में जिम गलत मार लिया था, जब तो मैं 8th-9th में था मैंने डेडलिफ्ट गलत मार ली थी, थोड़ी हैवी मार ली थी, मेरी बैक में पहली फ्रैक्चर है और अब मैं झेल नहीं सकता मेरे को वही दिक्कत हो, क्योंकि यार उस साइड पे खड़े रहना है 6-7 घंटे। और आपको एक और चीज़ बताऊँ, ये स्टील टो है ना जो भाई, ये स्टील टो ना एक जूता भी 700-800 ग्राम के, इसमें कोई अंदर सोल सॉफ्ट सोल नहीं है, ये इतना हार्ड सोल है। अभी मैं घर जाके उतारूंगा, मैंने सच भाई हमें कभी बताया नहीं, मैं घर जाके उतारूंगा ना भाई जूते के अंदर से पानी निकलेगा, इतने अंदर पसीना आते हैं, इतने गीली हो जाते हैं जराबे अंदर जाके, मतलब बुरा हाल है। मैं तो नहीं कर रहा ये वाली साइड तो नहीं कर रहा भाई, यही रीज़न है ये साइड मेरे को मिली थी, क्योंकि यहाँ पर कोई गार्ड टिकता ही नहीं है, सब छोड़ जाते हैं हेल्थ की वजह से, कोई बीमार हो जाता है। अभी भी मैं लेडीज लाया हूँ, उस गार्ड से बात हो रही थी, कह रहा भाई ये तो बहुत औखा है, मैं नहीं कर रहा यार, पता है बॉस्टन की जब इफेक्ट होगा इस चक्कर में यार, अगले घंटे दे देते हैं जब, तो वहाँ पे भी मैं ढंग से काम नहीं कर पाऊँगा, फिर क्या फ़ायदा, दुखती बैग में मेरा कॉलेज इफेक्ट होएगा भाई, कोई ना दो 10-15 घंटे कोई ना भाई, ठीक है मैं नहीं कर रहा। सिक्योरिटी वाली सिक्योरिटी मतलब मैं वो साइड नहीं कर रहा, मैं मना कर दूँगा सबसे भाई, मेरी बैग नहीं छेली जा रही यार, तो हद होगी, इतना तो कभी हुआ ही नहीं, मैं नहीं कर रहा ये वाली साइड में, छोड़ो इसको, बहुत दुख रहा है, मैं क्या बताऊँ। अभी भी ना 6 बज गए, 8:30 तो बॉस्टन पहुँचना ही है, मतलब 2 घंटे है मेरे पास, खाना खूना भी बनाना भाई, पर और मेरे को लेट आना सबसे पहले, मेरी बहुत हालत ख़राब है। मैंने अपने सुपरवाइजर को मैसेज तो कर दिया और भाई जो सोचा था उससे ज़्यादा ही निकल रहा है, मतलब हद हो रही है। अभी मेरे को हो गया है, मतलब 20 मिनट हो गया है मैं तब से बेड पे ही हूँ, मैं अभी उठा, मैं कहा खाना तो बना लूँ कम से कम, वहाँ 8:30 जाना भी है, सुबह का खाया हुआ है भाई, उठते हुए इतनी दर्द हो रही है ना, मैं क्या बताऊँ, बुरी हालत हो गया, मसल रिलैक्स है मेरी पता नहीं कहाँ है, गुम हो चुकी है, बुरी हालत हो रही है। मैसे तो मैंने छोड़ ही दिया, मैं कहा मैं नहीं कर रहा सर, वो वाली साइड रोटेटरी शिफ्ट दो, जहाँ बैठना चलना कुछ तो हो, मतलब एक ही जगह खड़ तो नहीं सकता मैं, कोई पता मुझे मेरे घंटे जाएंगे अब तो, मतलब
बॉस्टन ने देने 20-25 ही हैं, अगर दिए 40 तो नहीं मिलने वाले, बट ठीक है यार, मेरे को चक्कर नहीं है भाई, मेरी बैक बची रहे उतना बहुत है, बस पैसा बाद में कमा लेंगे यार, शरीर थोड़ी ख़राब करने फालतू में। चलो यार देखता हूँ, मैं रेस्ट करता हूँ भाई, 8 बजे निकलना है, मतलब 1.5 घंटा है ये सेट होगी इसी तरह, और छुट्टी तो मैं मार ही नहीं सकता मतलब बॉस्टन, क्योंकि भाई सिक कॉल करनी होती है, वो 4 घंटे पहले बताना पड़ता है इनको, ऐसे नहीं मुँह उठा के सिक कॉल कर दी कभी भी, देखते चलो मैं रेस्ट कर लिया यार, बहुत ही मूड ख़राब सही हो रखा है। वैसे भी शाम के या रात के जो भी लगाना लगा लो, 8 बज गए हैं, और मैं थोड़ा बहुत बीच में सो गया था कि मेरे आराम आ जाए, आराम तो क्या आया है, तकलीफ और ही बढ़ गई है, क्योंकि एक साइड दिक्कत आ गई भैया, आई गेस राइट साइड मेरा एक साइड बैक की बिल्कुल जा चुकी है, चलने में भी प्रॉब्लम हो रही है यार मेरे को। चलो क्या कर सकते हो भाई, सिक्योरिटी से मेरे को रिप्लाई आ गया था, कहते अगले हफ्ते से तेरी साइट बदल देते हैं, यही कर सकते हैं हम, शुक्र है वहाँ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया भाई, मतलब देख लो बैक का बिल्कुल ही काम हो गया यार, वो ये भाई ट्यूजडे फ्राइडे सैटरडे संडे कुट्ठे लगातार 6-6 घंटे खड़े रहना औखा ही होता है फिर। चलो कोई ना यार, मैं आपसे बॉस्टन से आने के बाद मिलता हूँ, देखते कैसी हालत रहती है, वहाँ निकल जाए बस, वहाँ का काम जो है निपट जाए यार, उसके बाद आके आराम करते हैं फिर। सर रात के 1:45 हो रहे हैं और अभी क्लोजिंग करके निकला हूँ यार, मैं सच में ना इतनी कोशिश कर ली, मैं जल्दी जाना है, काम ही नहीं पड़ता। चलो कोई ना, बैक का हाल ठीक ठाक ही है यार, चल रहा है मतलब चलने वाली हालत ही है बस, और क्या ही है, मतलब यार मुझे बस ये एक ही डर है एक चीज़ का, क्योंकि ना मैं काम जल्दी में कर लेता हूँ, जल्दी में भी क्या यार पता नहीं लगता, मेरा पिछली बार भी बैक में ऐसी झटका बजा था एक, मेरे को बस वो डर लगता है कि गलती से कुछ ना कुछ करते झटका ना बज जाए बस, क्योंकि वो झटका बजता है फिर मैं 1-1.5 महीना बेड रेस्ट पर जाता हूँ, तो बस उसका ही डर है थोड़ा सा। चलो यार बहुत थक चुका हूँ ना, हद थकावट हो रखी है, बस घर जाके मैं सोने वाला हूँ थोड़ा कुछ खा पी के, अभी व्लॉग को यार यहीं एंड करते हैं, कल मेरी एक दो वीडियोस भी शूट होनी पड़ी है यार कॉलेज जाके, तो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली हैं, मतलब दो तो हैं, एक रिज्यूमे वाली और एक कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक स्पेशल वीडियो आने वाली है भाई, तो वेट कर लो उस वीडियो का, बस जल्दी शूट होगी मैं साथ ही साथ डाल दूंगा, ये सब है, अभी व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।